हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल यू एंड मी पर एक सीरीज चलाता हूं जिसका नाम है रोजाना कमाई, और उसको मैं शिफ्ट भी किया है मार्केट फॉर मनी पे। और आगे जो हम वीडियो बनाएंगे उसको हमें मार्केट फॉर मनी के नाम से ही आगे हम इसको सीरीज को जारी रखेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा एक कम्बिनेशन ढूंढने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थी वो मैं आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर चुका हूँ कि किस प्रकार से हमें कैंडल देखनी चाहिए, किस प्रकार से हमें नीट पर काम करते हैं, एफ एंड ओ पे ऑप्शन स्ट्रेटजी अपनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने कोशिश की है आपको ये सब बताने की। दोस्तों, आगे जाके अब हम कम्बिनेशंस ढूंढ रहा हूँ मैं कि किस कम्बिनेशंस को शायद बेहतर तरीके से हैंडल करके हम पैसा बना सकते हैं मार्केट से। तो उसी सीरीज में मैंने आज एक चीज़ देख रहा था, जैसे कि आपने देखा कि चार्ट को हम कैंडल्स भी देखते हैं, बार चार्ट भी देखते हैं, लाइन चार्ट भी, वहीं पर हमें एक चार्ट मिलता है पैटर्न जो कि हमें हैंकिन एशी होता है, एच ई आई के आई एन हैंकिन एशी, ए एस एच आई एशी होता है। ये भी एक प्रकार का चार्ट होता है जो ट्रेंड शो करता है कि यहाँ पर अप ट्रेंड बनेगा या डाउन ट्रेंड बनेगा। जो अप ट्रेंड होता है उनको ग्रीन कैंडल करके शो करता है, जो डाउन ट्रेंड होता है उनको रेड कैंडल करके शो करता है। तो ग्रीन रेड करके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है, वो बीच में ही ऐसा ग्रीन और रेड कैंडल्स नहीं बताता, वो एक ट्रेंड को फॉलो करता है। तो जब ट्रेंड चेंज करता है तो अपने वो कैंडल्स भी ग्रीन से रेड और रेड से ग्रीन करता है। दूसरा ए दोस्तों ऑसम ऑसिलेटर होता है, जो कि हमें 0% से शो करना शुरू कर देता है कि वो किस तरफ का ट्रेंड शो कर रहा है, हाई लेवल पर है या लो लेवल, बिलो जीरो लाइन है तो वो शो करता है कि यहाँ पे हाँ वीकनेस ज़्यादा हो रही है, और जीरो से अबव है तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वहाँ पे उसको बाई किया जा सकता है। स्टोकेस्टिक है जो कि चलता है 14 वाले के टर्म पे, और साथ साथ इसको हम इंटर देखते हैं तो फिर इसको हम कम करके भी देख सकते हैं। RSI होती है, आप जानते हैं बेसिक स्टॉक एनालाइज करने के लिए RSI उसकी स्ट्रेंथ को शो करता है कि रिलेटिव कितनी स्ट्रेंथ इसके अंदर है, इंडेक्स के अंदर है या फिर स्टॉक के अंदर है पर्टिकुलर। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो उसी कॉम्बिनेशन पर हम चेंज करके देख सकते हैं कि क्या बेहतर है हमारे लिए, हमारे स्टॉक के हिसाब से कौन सी चीज़ें बेहतर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो चेंज करके देखते रहिए, मैं भी कोशिश करता रहता हूँ कुछ नया सीखने की, और कोशिश करते रहते हैं कुछ बेहतर करने की, क्योंकि निफ्टी इस टाइम पर बिल्कुल अपने 11,000 के ऊपर खड़ी हुई है, और कल वो टूट के भी आई है ब्रेकआउट, पहले उसने ब्रेकआउट किया 11,000 क्रॉस करके ऊपर गई, वहाँ पर सस्टेन किया कई दिन तक दो, और उसके बाद फिर उसने वहां पर आप ब्रेक डाउन किया कल 150 पॉइंट की निफ्टी के हिसाब से, क्योंकि कल रिजल्ट आए थे, शायद टाटा मोटर के रिजल्ट भी कल खराब आए हुए थे और कई सारी चीजें थी। तो उसने 11,000 का जो स्टॉप लॉस था वो तो ट्रिगर कर दिया, उसको ब्रेकआउट कर दिया था उसने, लेकिन अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ कल, तो फिर देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो मैं जिन चीज शेयर को फॉलो करता हूँ उनके हिसाब से ही सोचता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए, इसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो मैंने इन्हीं 3-4 चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने हिसाब से मैं इनको एडजस्ट कर सकूं। अब दोस्तों, ये बैंक इंडिया का चार्ट है, मैं आपको जो बैंक इंडिया का चार्ट दिखा रहा हूँ, बैंक इंडिया का चार्ट है, और मैंने इस पे हैंकी एशी वाला ही चार्ट ओपन किया, लाइन बार चार्ट देखते हैं, वहीं फाइंड आउट करने की कोशिश की थी मैंने, इसको फाइंड आउट किया था। तो बड़ा अच्छा चार्ट है, इसमें आपको सिर्फ ट्रेंड फाइंड आउट करना, जब बैंक इंडिया यहाँ से चला था तो हमने बाइंग की ऑप्शन आपको बताई थी 79 समथिंग 80 का रेट था, तो वहीं से इसने बाइंग शुरू की, लेकिन यहाँ पर इसने फिर शुरू की। अब यहाँ पर ये ऐसी सिचुएशन मार खड़ा हुआ है, यहाँ पे अप्रोक्सिकल इसकी क्लोजिंग शायद 86 के करीब की क्लोजिंग है, 86 ऐसा कुछ समथिंग का है। तो यहाँ पर ये भी वीकनेस शो कर रहा है, यहाँ पर आप देखें कि ऑसम ऑसिलेटर है ये, यहाँ पे ग्रीन था बिल्कुल, जैसे वो रेड हुआ पर यहाँ पे इसने ऑसम ऑसिलेटर रेड शो कर दिया, तो ये रेड शो होना शुरू हो गया। अब ये जीरो लाइन से नीचे आ गया, यानी कि वीकनेस और भी इसके अंदर हो सकती है अभी यहाँ से। तो मेरा ये मानना कि यहाँ ये अप्रोक्स 80 जहाँ से चला था वहां तक के रेट भी ये शो कर सकता है यहाँ पे कुछ टाइम के बाद में। जहां तक हम बात करेंगे स्टोकेस्टिक के, स्टोकेस्टिक्स देखिए यहाँ पे वो भी कमजोर होते जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा क्लोज होकर दिखा रहा हूँ इस चीज को। ये देखिए स्टोकेस्टिक बिल्कुल कमजोर है यहाँ पे, और RSI जो मैंने देख रहा था RSI भी यहाँ पे कमजोर है। जब दोनों ही चीजें कमजोर, स्टोकेस्टिक भी कमजोर है, RSI भी कमजोर है, और ऊपर ऑसम ऑसिलेटर है वो भी जीरो से नीचे है, तो मैं मानता हूँ यहाँ से एक बारी के लिए डाउन
ट्रेंड और बने रहेगा। ये अपने वहीं जहाँ से स्टार्ट हुआ था 80 के करीब से, 80 या 79 के बाद जाके इसका एक रेजिस्टेंस थी, वहां पर जाना चाहिए इसको एक बारी के लिए और वहीं पर इसको बाउंस बैक मिलना चाहिए, क्योंकि निफ्टी भी अभी मेरे को डाउन साइड लग रही है हल्का फुल्का यहाँ से। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बार कि अगर हम फ्यूचर शॉर्ट ना करके तो ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शंस ले सकते हैं। ऑप्शन की जो पुट ऑप्शंस होगी 85 के रेट पे, 80 की या 75 की जो पुट ऑप्शंस होगी वो आपको एक एक रुपए में मिल जाएगी आराम से। तो आप वहां पर लेकर अपने रिस्क को कम करके काम कर सकते हैं और शायद सेफली कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपके पास कोई कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा हो तो आप हमें जरूर शेयर कीजिए, हम ट्राई करेंगे उस चीज को भी अप्लाई करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ मार्केट फॉर मनी में।